नजीबुल्ला के इलेक्शन के टाइम में जो इन लोगों ने सीधा सीधा बोला मुसलमान है वोट नहीं देंगे बोल के पीठ पीछे कारस्तान करके गेम करके और एक टिकट लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। इनकी गद्दारी ना इनके खून में ही है। दिखते कुछ है करते कुछ है, सेकुलर वोट उनको मिल जाता है, उसके बाद कट्टरपंथियों के थाना में जाके अपने वोट को बेचते हैं। इनने एक अनंत कोलियावाड़ा में अलनिकल बंगला चेमाले का बना लिया। अरे कॉम्बिंग ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ मुमरा में, उस वक्त कहाँ थे मुमरा के आवाम से इनको लगा आने, आवाम मुमरा के आवाम के लिए अब रस्ते पे आए नहीं थे। मुमरा के आवाम इतनी पागल नहीं है, मुमरा के आवाम साहब के साथ में। विकास की बात वो बोलते हैं तो जो काला चश्मा लगाया हुआ ना वो निकालना। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा शहर में जिस तरह से राजनीति हो रही है वो किसी से छिपी नहीं है, और मुमरा शहर के जो राजनीति पार्टी से ताल्लुक रखने वाले पदाधिकारी हैं उनका भी बयान एक के बाद एक सामने आ रहा है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही पूर्व नगर सेवक जो एनसीपी पार्टी से जुड़े हुए थे राजन किने, उनका बयान सामने आया है कि उनकी वाइफ जो नगर सेविका चुनाव लड़ी और जीती, उन्हें कहीं ना कहीं ये ऐसा भी बयान दिया गया कि उन्हें जितेंद्र अवार्ड के चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह का बयान सामने आया। हमारे साथ यहाँ पर एनसीपी पार्टी के मुमरा ब्लॉक अध्यक्ष हैं बबलू शेमना, हम उन्हीं से बात करेंगे। बबलू भाई क्या बताना चाहेंगे आप, जिस तरह से जो पूर्व नगर सेवक हैं और राजन किने वो और उनकी वाइफ इन लोगों ने एक मीडिया चैनल पे बाइट दिया है, कहा है कि जो है हमें जितेंद्र भाट के चेहरे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम ब्रांड हैं, हम खुद ही चुनाव जीत जाते हैं। बहुत अच्छी बात की है, ब्रांड है। 97 में बॉम्बे कॉलोनी में कौशल झा के खिलाफ जब आप लड़ी थी 1600 वोट से क्यों हारी, तो इसका मतलब वहाँ के लोगों ने बॉम्बे कॉलोनी के लोगों ने आपको नकार दिया। उसके बाद 2007 में अब इलेक्शन लड़ी कौसा में, कुरेशी मैडम के सामने लड़ी, वहाँ भी आप हार गई। इसका मतलब आपको मुमरा के लोगों ने कौसा के लोगों ने फिर से नकार दिया। अब मुमरा के लोगों के दिलों में जगह ही नहीं बना पाई। पहले आप बोलते 2004 में लड़े कोई बात नहीं, मगर फिर लोगों ने आपको हरा भी दिया, हार का भी आप सौगात ले चुके। उसके बाद आपके शोहर 2009 में हमदर साहब के साथ में लड़े, सामने लड़े, वो 15 दिन पहले मुमरा में आए, लोगों के दिलों में जगह बना पाए, और आप बोलते हैं हम 30 साल से मुमरा में रह रहे, फिर भी आप मुमरा 15 दिन में आए, जगह बना ली, जीत गए, अब 30 साल रह के जगह बनाने पाए। इसका मतलब लोगों के दिलों में आवाम में आवाज़ सबने जगह बना ली, इसका यही सही जवाब है। बयान में ये भी उन्होंने कहा है कि जब नामांकन हुआ, नामांकन मतलब फॉर्म जब भरा गया, जितेंद्र अवार्ड ने खुद फ़ोन किया था कि आप मेरी बात मान लो और फॉर्म भर दो, और ये भी जीतने के बाद कहा जितेंद्र अवार्ड ने कि आप दोनों की वजह से जो है कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिस्पांस आया, और बाकी के नगर सेवकों को ऐसे ही नहीं। देखो ये बात आपको मालूम होना चाहिए, उनको तो पता है, ये सब तो उनकी सब कार्य जब खेली थी, ये पीठ पीछे जो कारस्तान जब करते हैं ये लोगों को पता नहीं चलता है। ये 2017 में जब हमारे सामने साथ में वो लड़ी, उसके पहले आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि एक माई कि हमारी नगर सेविका है, अभी पी कमेटी की मेंबर भी है, उनको ये कंटिन्यू फ़ोन कर रहे थे, माई तेरा एहसान होगा, हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, तू एक काम कर, तू ओपन में भर ले, बीवी मेरी ओबीसी में भरेगी, तो अपन ये इलेक्शन अपन साथ में लड़ेंगे। क्योंकि अवार्ड साहब से हमारे नेता से बात हो चुकी थी कि आपको 3 टिकट दी जाएगी, मगर ये पीठ पीछे कारस्तान करके ये इन्हें गेम करके एक और एक टिकट लेने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। और लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, मैं भी वो पैनल में था, मैं भी वो इलेक्शन लड़ा, वहाँ से पार्टिसिपेट किया, हम हार गए, मगर हमने कोई चीज़ से समझौता नहीं किया, न कहीं तड़जोड़ किया। मगर इनने ये बोलते हैं कि हमारे को फ़ोन आया, वो तो क्या हुआ, लास्ट मोमेंट आधा घंटा पहले मेरी टिकट को कंफर्म किया गया था, ओबीसी की सीट हमारे उस वक्त कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, कोई एडजस्टमेंट नहीं दिख रहा था, किसी ने फॉर्म नहीं भरा था, इसलिए उस पर मजबूरी थी। इनके षड्यंत्र ने इनने का गेम का सक्सेस हुआ, और अनिता सिंह ने हमारे उस वक्त 2017 में हमारे साथ इलेक्शन लड़ी उस वक्त। तो आखिर जब चुनाव के टाइम पे चुनाव भी लड़ाया जाता है, फिर बाद में ये एक दूसरे के ऊपर टीका टिकी टिप्पणी पार्टी से बाहर जाना, ये इनका पुराना इतिहास रहा है। आप जानते होंगे इसके पहले भी 2012 में इलेक्शन हुआ था, इनकी बीवी लड़ी थी अशरफ मुल्लानी के साथ में, ये लड़ी थी इनके साथ में, और अनिता अपना संगीता दो ने और शिवदास भगत साहब साथ में लड़े थे।
मगर उस वक्त भी इनकी गेम देखो, इनकी गद्दारी ना इनके खून में ही है। क्रॉस वोटिंग करके शिवदास भगत साहब और अनीता जीत जाती है। अशरफ मुल्लानी के साथ में रहे मगर वो हार गए, कुछ वोटों से हारे, मगर ये इनका पीछे से ही है, ये दिखते कुछ है करते कुछ है। मुमरा की आवाम सही के तरीके से जान रहे क्योंकि उनको मुमरा को मालूम है, वो मुमरा के आवाम को पता है ये सेकुलर वोट को मुमरा से खरीद ले लेते हैं, अपने से मुमरा के वोट को ले लेते हैं, सेकुलर वोट उनको मिल जाता है। फिर ये अपक्ष चिन्ह लेंगे, विमान का चिन्ह लेंगे, फिर कांग्रेस से कहीं खड़े रहेंगे, उसके बाद कट्टरपंथियों के थाना में जाके अपने वोट को बेचते हैं, वोट को देते हैं, और ये अपना खुद का मुफाद करने के लिए ये सब चाहे ये षड्यंत्र रचते हैं। कट्टर मतलब कट्टरपति शिवसेना है, बीजेपी है, कट्टरपंथी पार्टियां है ना, जो आज नरेंद्र मोदी साहब के साथ में पहला अपने सत्ता में है। अच्छा, नजीब मुल्ला को वोटिंग करने के दौरान भी उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर निगरानी रखी जा रही थी, कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं, बराबर वॉच किया जा रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, 2019 के इलेक्शन में वो बता रहे कि मेरे पे निगरानी रखी जा रही थी, मेरे पे वॉच रखा जा रहा था कि ये वोटिंग किसको कर रहे हैं। नजीब मुल्ला के इलेक्शन के टाइम में जो इन लोगों ने सीधा सीधा बोले था मुसलमान है वोट नहीं देंगे बोल के, आप वो बात को घुमा फिरा के बोल रहे हैं। मुमरा की आवाम जानती है कि हम नजीब मुल्ला से मिले, बोले आपका नुकसान मेरे वजह से अगर हुआ है तो। अरे उस टाइम नजीब मुल्ला साहब ने फूल विरोध किया था कि मत लो, मगर वही अब हमारे आमदार है, हमारे नेता है, हमारे बॉस डॉक्टर जितेंद्र नवाड़ साहब ने उनको समझा बूझा के बोले नहीं तो ऐसा नहीं मत कर, उनको समझा के उनको रिक्वेस्ट की थी, उनको कन्विंस किया, उसके बाद ये यही बोलते ना कि मुसलमान मुसलमान क्या बताया आपने कि मुसलमान है इस वजह से वोट नहीं। हाँ 2009 का उनको गुस्सा निकालने का था कि 2009 में अवार्ड साहब के साथ में नजीबुल्ला भी कदम से कदम मिला के यहाँ सक्रिय थे, वो गुस्सा, और इन्होंने ये वर्डों का इस्तेमाल किया है क्या कि मैं मुसलमान हूँ, और भी वर्ड बोले मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मुसलमान हूँ ये दोनों, ये मियाँ बीवी ने, ये बीवी ने बोली है वोट ने उससे इस्तेमाल किए कि मुसलमान है हम वोट नहीं देंगे बोल के। लेकिन उन लोग का तो ऐसा बयान हमेशा सामने आता है, मुमरा शहर है, हिंदू मुस्लिम एक होके रहते हैं, ये बोलते हैं, और कभी इन लोग कभी दिखा है? इतना बड़ा कोविड का काल गया, इतना बड़ा, लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि मुमरा शहर में हिंदू मुसलमान। अरे कॉम्बिंग ऑपरेशन इतना बड़ा हुआ मुमरा में, उस वक्त कहाँ थे सिर्फ मुमरा के आवाम से इनको लगाव है, मोहब्बत है, मुमरा के आवाम इनको वोट देना चाहते हैं कि मुमरा में आवाम हमारे साथ है ये बोल रहे हैं, तो उस वक्त कहाँ थे? कोविड के वक्त हम जो डॉक्टर जितेंद्र नवाड साहब के नेतृत्व में हमारे सब नगर से हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे शानू पठान युवक के अध्यक्ष हैं, विरोधी पक्ष नेता हैं, इनके सब पूरा ग्रुप हमारे जितने नगर सम्मानित नगर सेवक हैं, इन लोग ने एक खाने का लोगों का प्रोग्राम भी बनाया था, कम्युनिटी किचन, उस सुबह 40,000, दोपहर में 40,000, रात में 40,000 लोगों को खाना 22 दिन दिया गया, 18 करोड़ रुपए का कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, उसके बाद उसके बाजू में एक्सेलरेशन सेंटर भी बनाया गया, जो कोविड होने के बाद कोविड जिसको नहीं हुआ है तो वो अपना वहाँ 8 दिन 10 दिन रह के वहीं लोगों से दूर रहकर अपना वक्त गुजार सके। इसलिए वो सब ये वक्त उस वक्त आप कहाँ थे? उस तो आप लोगों के आवाम उमरा के आवाम के लिए आप रस्ते पे आए नहीं थे, ने लोगों को दिखाई दे रहे थे, आप बोलेंगे हमारे वार्ड में रहेंगे, आप वार्ड की बात करते हो, अब उमरा के आवाम हमारे साथ में है ये भी बोलते हो। वो तो कह रहे हैं कि विकास कुछ नहीं हुआ उमरा शहर में, विकास की बात वो बोलते हैं तो जो काला चश्मा लगाया हुआ ना वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2009 में अब पहले भी आपको बताया था कि 2007 में हमारे जब इलेक्शन होगा कोई इलेक्शन होगा तो 5 नगर से होते, 2012 में 12 हुए, 2017 में 18 हुए, वोटर परसेंटेज अवार्ड साहब का भी हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब का ही बड़ा है, 9-17, फिर उसके बाद 14 में हमारा 50,000, उसके बाद अब 78,000। मुमरा के आवाम इतनी पागल नहीं है, मुमरा के आवाम साहब के साथ में, मुमरा के आवाम के दिलों में अवार्ड साहब की जगह, अवार्ड साहब ने जगह बना चुके, इसीलिए वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ा है, नगर से बढ़े इसलिए इतने मार्जिन से अवार्ड साहब जीते हैं। ये भी कह रहे हैं कि आम जनता का कोई कुछ मतलब भला नहीं हुआ है ऐसा, ये गलत बोल रहे हैं, उन्हें अपना तो अनलीगल, मैं बता रहा हूँ आपको एक बात, इन्हें एक अनंत कोलियावाड़ा में
अलनिकल बंगला छह माले का बना लिया है। ये बात को लेके आमदार साहब का उनका थोड़ा डिस्प्यूट चालू हुआ और ये बात जो घर बना हुआ जो घर बना क्या डिस्प्यूट क्या था। आमदार साहब कभी भी अनधिकृत बांधकाम के विरोध में रहे हैं और वो अनधिकृत बंगला बांध रहे थे, तो ये बात को लेके डिस्प्यूट हुआ और बोलते विकास नहीं हुआ। तो लोग देख रहे हैं डिस्प्यूट क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, व्हाट्सएप में क्या मना कर रहे थे, मना कर रहे मतलब मत बनाए अनधिकृत बांधकाम के आवार साहब कभी भी, आज भी देखो कल भी थे और उसके आगे भी विरोध में ही रहे, तो ये चीज के विरोध में थे, उसको बात जमी नहीं है, कुछ बातें हुई होगी उसके बाद से पार्टी से। हाँ, जो है ये आप देखो ये इनका इतिहास रहा है, ये अपनी मुफाद की राजनीति ही करे। आप देख लो ये मुमरा के लोगों से वोट लेते हैं, यहाँ का सेकुलर वोट को जमा करते हैं और अपना वोट जाके थाना में किसी को बेचते हैं, ये उनका इतिहास है, इसके पहले भी था और आज भी है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वे बोल रहे मुमरा विकास आघाड़ी बना रहे, जो बोल रहे ना हमारे साथ में सब संपर्क में है, सब आने वाले सब जाहिर करे, क्यों बोल रहे मुमरा विकास आघाड़ी बना रहे, आप जिसकी नीति लेके आ रहे हो कि जो एनसीपी के लोग टच में है तो वो वक्त आने पर बताएंगे कौन कौन है कौन कौन। अरे अभी क्यों नहीं बता रहे, मैं तो बोलता हूँ मुमरा विकास आघाड़ी क्यों बन रहा है, जिसकी आप नीति लेके आ रहे हो उनका चेहरा लगे मुमरा के लोगों के बीच में जाओ और वोट मांगो, मतलब इसका मतलब है अब उनके साथ में गद्दारी कर रहे हो, ऐसा नहीं। पब्लिक मुमरा की बेहतर जान दे, पब्लिक लोगों को समझ में आ रहा है आपकी राजनीति, इसलिए आवाम आपको बेहतर तरीके से जवाब देगी, यानी आने वाले चुनाव में जो है आप लोग जवाब देने के लिए खड़े। कौन रहेगा विधायक, कौन चुना जाएगा? इंशाल्लाह ताला हमारे विधायक आज भी और कल भी हमारे डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब ही रहेंगे। देखो राष्ट्रवादी की जड़ें इतने कमजोर नहीं है जो कुछ छोटे मोटे हाथों से बिखर जाए, जो कर रहे हैं ना उनको करारा जवाब मिलेगा चुनाव में इंशाल्लाह आने वाले वक्त पे आपको पता चलेगा। एक आखिरी सवाल, करारा जवाब का बात किए आपने, तो करारा जवाब अभी भी जो चल रहा है माहौल, इस पे खामोश तब नगर सेवक है कार्यकर्ता है, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पे क्यों खामोश है? इसमें हमारे को सीधा इंस्ट्रक्शन है, हमारे को बोला गया है कि आप शहर के माहौल को शांत बना रहने दो, जिसकी जैसी सोच है इसने उसकी दिमाग में जितनी वो हरकतें करता है करने दो, आप जवाब न दो आप चुप रहो। हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब को, हमारे कलवा मोरा विधानसभा अध्यक्ष, उसके बाद युवक के अध्यक्ष, हमारे विरोधी पक्ष था, उन सब ने सब जल के मीटिंग की गई है कि अभी वक्त है शांत रहो, सबको सही वक्त पे जवाब दिया जाएगा। तो आपने सुना कि मुमरा ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है बबलू सेमना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितेंद्र भाट के तरफ से ही अभी मुमरा कौसा के जो नगर सेवक है एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें शांत रहने के लिए कहा गया है, और खास तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि वक्त का इंतजार किया जा रहा है, वक्त आने पर ही जवाब दिया जाएगा।